फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गुरु। जैसे कि हमने हमारे पहले वीडियो में फैक्टराइजेशन के बारे में सीखा था बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक उसी तरह से हम फैक्टराइजेशन आज वैसे ही सीखेंगे, लेकिन कुछ अलग आठ प्रकार की आइडेंटिटी से। जैसे कि आज हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस, ये तीन प्रकार की आइडेंटिटी आज हम पढ़ने वाले हैं। अब पहली आइडेंटिटी को देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस ए, कैन वी सिंप्लीफाई एक्स द होल क्यूब प्लस टू द होल क्यूब। हम जानते हैं कि एट का क्यूब, टू का क्यूब एट होता है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर आइडेंटिटी, यहाँ पे हमारा x हो गया है a और 2 हो गया है b, सो a प्लस बी इसका मतलब हो गया x प्लस 2, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, माइनस फॉर्मूला का तो माइनस रखा, a इंटू बी, a क्या है x और b क्या है 2, तो 2x प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, सो आवर फाइनल आंसर इज x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 64, कैन बी राइट एक्स द होल क्यूब, और हम जानते हैं 64 किसका क्यूब है, 4 का, तो हम 4 का क्यूब लिखें, तो हमारा यहाँ पे एक्स हो गया है ए और 4 हो गया है बी। तो इसी तरह से आपको ये दोनों वैल्यू इस आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा इक्वेशन फाइनल आंसर हो जाएगा x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 60। ठीक है ना। चलो हम हमारे दूसरी आइडेंटिटी के बारे में समझते हैं। पहली और दूसरी आइडेंटिटी दोस्तों आपको बता दें कि मोस्ट प्रोबेबली सेम है, थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है, वो क्या है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जबकि यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी ही आएगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जब प्लस हो तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे जब माइनस हो तो यहाँ प्लस आएगा, तो ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वो आपको याद रखना होगा। अब इसी तरह से यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके देखते हैं एग्जांपल, एक्स क्यूब माइनस 27, तो एक्स को हम एक्स द होल क्यूब लिख सकते हैं, और हम जानते हैं 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो 3 द होल क्यूब। अब इसी तरह से हम दोनों x हमारा हो गया a और 3 हो गया b, अब इसी दो वैल्यू को हम इस आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, a माइनस बी मतलब कि x माइनस 3, ए स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस, यहाँ क्योंकि यहाँ प्लस का साइन आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे अगर माइनस हो तो बीच में प्लस लेना है, तो प्लस x इंटू 3 प्लस का स्क्वायर, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, है ना इजी। चलो दूसरा एक और एग्जांपल जिससे कि आपको मोर क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे पहले देखते हैं 8x क्यूब माइनस 1, अब ये माइनस है तो आपको ये पता लगाना है कि हम सेकंड वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, अगर बीच में प्लस आता है तो हम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे 8 हम आगे देख चुके हैं, 8 किसका क्यूब है, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में देख चुके हैं 2 का क्यूब है, तो यहाँ 2x द होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है। ठीक उसी तरह से अब x हमारा हो गया है 2x और b हो गया है 1, तो यहाँ पे a हो गया 2x माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर 2x माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर 4x, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2x प्लस 1। ओके तो क्लियर। अब हमारी लास्ट आइडेंटिटी जो कि थर्ड आइडेंटिटी, x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b, अब यहाँ पे देखिए कि आपको x और x दोनों फैक्टर में x कॉमन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे a और b दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, अब देखो यहाँ पे x और यहाँ पे x दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 ये दोनों डिफरेंट टर्म है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते।
अब ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए टू। अब एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे हमारा एक्स हो गया टू, हो गया ए, एक्स ही सेम रहेगा और थ्री हो गया बी। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे दोनों साइड प्लस होना जरूरी है तो ही हम ये वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। चलो अब देखते हैं, अगर सब्स्टिट्यूट करो ये दोनों वैल्यू को इस आइडेंटिटी में, एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए इंटू बी, मतलब ए हमारा टू था और बी था थ्री, तो हमारा फाइनल आंसर एक्स का स्क्वायर एक्स, टू प्लस थ्री होता है फाइव, तो फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स प्लस टू इंटू थ्री सिक्स। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान देना दोस्तों यहाँ पे, x प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब मैंने आपको पहले बताया था कि x प्लस ए और x प्लस बी, मतलब के दोनों स्थान पे प्लस होना चाहिए लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आपको ये माइनस साइन को अंदर ले लेना। कैसे देखते हैं, x प्लस ए ये तो ऑलरेडी प्लस में था लेकिन ये माइनस है, उसके लिए x प्लस माइनस साइन अंदर ले लीजिए, और फिर अब हमारा हो गया x की वैल्यू x ही रहेगी, ये हो गया a टू, फिर ये माइनस थ्री हो गया हमारा b। अब इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए टू बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस माइनस हो जाता है माइनस और मल्टीप्लाई बाय एक्स, टू थ्री सा सिक्स तो ये हो जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस थ्री, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस वन एक्स माइनस एक्स। ओके दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए।